तो हे दोस्तों, कैसे हो सभी? आशा करते हैं सभी बहुत ही बढ़िया हो, और अगर बढ़िया नहीं हो तो इस वीडियो को देखने के बाद बढ़िया जरूर हो जाओगे। तो गाइज, आज के इस वीडियो में आप लोगों को एड ऑन रील्स सेटअप करना सिखाऊंगा, या तो गाइज आप लोगों को एड ऑन रील्स मोनिटाइज कैसे किया जाता है सारा कुछ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोगों को कोई सा भी दिक्कत नहीं होगा एड ऑन रील्स को मोनिटाइज करने में अगर इस वीडियो को आप लोग देख लेते हो। एंड गाइज, एक रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप लोग फर्स्ट टाइम घूमते फिरते आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि आप लोगों को फायदा हो, ठीक है? तो यहाँ पर गाइस साइड में मैं स्क्रीन प्ले कर दूंगा, तो आप लोग देखते रहिए, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा एकदम सिंपल वे में। तो यहाँ पर साइड में देखिए स्क्रीन मैं प्ले कर देता हूँ, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। देखिए स्क्रीन प्ले हो चुका है। तो एड ऑन रील्स को कैसे सेटअप किया जाता है वही इस वीडियो में दिखाते हैं। चलिए फर्स्ट आप लोग को फेसबुक ओपन कर लेते हैं एंड वो पेज जो है गाइस, पेज को यहाँ पर मैं इस तरह से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पर गाइस डैशबोर्ड पर आ चुका हूँ, साइड में आप लोग देख सकते हो सारा कुछ। मोनेटाइजेशन सेक्शन पे जाता हूँ, यानी यहाँ पर गाइस देखते हो मोनेटाइजेशन सेक्शन पे तीन चीज़ है, एड ऑन रील्स, इंस्टीम ऐड एंड स्टार। तो यहाँ पर गाइस एड ऑन रील्स को ऑन करके मैं सिखाऊंगा। तो एड ऑन रील्स पे जो देखिए साइड में सेटअप करके ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप लोग एक बार क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर देखिए जो एडिट इन्फॉर्मेशन है, इस पर आप लोग क्लिक करना है। तो यहाँ पर गाइस फर्स्ट लीगल नेम आप लोगों को टच करना है। यहाँ पर देखिए प्रोफाइल का नेम सारा कुछ आ रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों को जो आपका बैंक अकाउंट का जो नेम है गाइस, सारा कुछ यहाँ पर देना है। फर्स्ट आप लोगों को बैंक अकाउंट का जो नेम होता है, तो यहाँ पर मैं फिलअप कर देता हूँ, थोड़ा सा ब्लर कर दूंगा क्योंकि ये चीज़ दिखाई नहीं दे सकता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं सारा कुछ फिलअप कर रहा हूँ। तो गाइज देखिए यहाँ पर नाम एंड लास्ट नेम मैं फिलअप कर दिया हूँ। उसके बाद गाइज डेट ऑफ बर्थ को आप लोगों को फिलअप करना है, तो डेट ऑफ बर्थ को भी मैं फिलअप कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप लोग इस तरह से डेट ऑफ बर्थ को फिलअप कीजिएगा। तो यहाँ पर गाइज फरवरी मंथ में है, तो देखिए फरवरी मंथ टच कर लिया हूँ। तो गाइज डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है, कंट्री देखिए इंडिया है ही, ठीक है? तो यहाँ पर अपडेट इन्फो किया, ठीक है? उसके बाद एक्सपेक्ट टर्म्स के क्लिक करना है आप लोगों को। क्लिक करने के बाद गाइस थोड़ा सा आप लोग देखिए इस तरह से लोडिंग लेगा। तो उसके बाद आप लोगों को देखिए यहाँ पर टिक करके आ जाएगा, एंड यहाँ पर देख सकते हो ये एड ऑन रील्स ऑन हो चुका। तो दोस्तों आप लोग देखें कि एक ही चांस में कैसे एड ऑन रील्स मोनिटाइज हो गया। अगर आपका पेज सब कुछ सही रहता है तो ऐसे ही गाइस एक ही चांस में एड ऑन रील्स मोनिटाइज हो जाता है, कोई भी अर्निंग रिस्ट्रिक्टेड या कुछ भी इशू दिखाई नहीं देता है। तो गाइज मोनिटाइज तो हो चुका है, लेकिन गाइज यहाँ पर अगर आप लोग अगर $100 कर लेते हो तो गाइज पे आउट कहाँ पर जाएगा? गाइज आपका जो पेमेंट है वो कहाँ पर आएगा? तो इसके लिए गाइज देखिए ऊपर में एक चीज़ होता है सेटअप पे आउट अकाउंट, इस पर आप लोग एक बार क्लिक करना होता है। इसके बाद गाइज आप लोग को बैंक अकाउंट जोड़ना होगा, सारा कुछ मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाला पेज तो मैंने फिलअप कर दिया था फर्स्ट में ही, तो आप लोग को अब नेक्स्ट करना होगा। अब सेकंड देखिए यहाँ पर 6 स्टेप है टोटल, तो 6 स्टेप को आप लोगों को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट में कर दिया हूँ, सेकंड स्टेप आ चुका है। सेकंड स्टेप में क्या करना होगा, देखिए बिजनेस टाइप पे टच करना होगा, उसके बाद इंडिविजुअल फर्स्ट वाला जो है इसको आप लोग को टच करके नेक्स्ट कर देना है, ठीक है? तो नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब गाइज आप लोग देखिए थर्ड स्टेप में क्या करना है, आप लोगों को मैं सारा कुछ दिखाता हूँ। देखिए थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, थोड़ा नेटवर्क इशू है। अब देखिए फर्स्ट नेम तो आप लोगों को डाल दिया हो, मिडिल नेम तो आप लोगों का होगा तो डालिएगा, लास्ट नेम भी मैं डाल दिया हूँ, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया हूँ, प्राइमरी एड्रेस आप कहाँ पर रहते हो यानी इस पेज को कहाँ से मतलब बनाया हो उसको आप लोग को डालना है। तो यहाँ पर गाइज मैं यहाँ पर जहाँ पर रहता हूँ उसका सारा कुछ डिटेल्स डाल देता हूँ, ठीक है? तो इस तरह से आप लोग डाल लीजिएगा, एंड बीच में एक आप लोग यहाँ पर इस तरह से स्पेस दे सकते हो। तो गाइज इस तरह से आप लोग विलेज जो भी है, आप सिटी में रहते हो तो सिटी लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं फिलअप कर दिया हूँ, अब आप लोग को सिटी को डालना है, सिटी भी मैं डाल देता हूँ। सारा कुछ आप लोग कैपिटल लेटर में फिलअप कीजिएगा, ठीक है? यहाँ पर गाइज स्टेट भी आप लोग डाल दीजिएगा, एंड उसके बाद आप लोग पोस्टल कोड जो आप लोग को पिन कोड है वहाँ पर इसको आप लोग डालना है, आप लोग को पता ही है कितना है। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो पिन कोड है मैं डाल देता हूँ। उसके बाद फ़ोन नंबर डालना है, कोई सा भी एक फ़ोन नंबर डाल सकते हो, तो यहाँ पर मैं एक डाल देता हूँ, ठीक है? उसके बाद एक ईमेल भी डालना है, तो यहाँ पर मैं एक ईमेल भी डाल देता हूँ, ठीक है? तो ईमेल भी एक मैंने डाल दिया हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर डालना होता है, ठीक है? पैन कार्ड का नंबर आप लोगों को जो बैंक अकाउंट से जो पैन कार्ड लिंक है उस यहाँ पर डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर पैन कार्ड का भी नंबर मैं डाल देता हूँ। तो गाइस आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, देखिए तो गाइज यहाँ पर देखिए मैं डाल देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर मैंने डाल दिया हूँ, तो आप लोग भी इस तरह से डाल दीजिएगा। उसके बाद गाइज ये जो है गाइज रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको ऑप्शनल है, इसको आप डाल भी सकते हो, नहीं डाल सकते हो। अब नीचे देखिए टिक का आइकन है, इस पर टिक कर दीजिए। उसके बाद गाइज आप लोग देखिए नीचे है नेक्स्ट, इसको आप लोग टच कर लीजिए। टच करते गए देखिए गाइज देख सकते हो फोर्थ वाला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब गाइज फिफ्थ स्टेप को आप लोग कंप्लीट करना है। अब देखिए सेटअप पे आउट अकाउंट करके यहाँ पर आएगा, इस तरह से आप लोग बैंक ट्रांसफर, वायर ट्रांसफर एंड
पेपल अकाउंट भी लिंक कर सकते हो। तो यहाँ पर जो आप लोग चाहो कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर वायर ट्रांसफर करूंगा, तो आप लोग देख सकते हो वायर ट्रांसफर में आप लोगों को अकाउंट होल्डर नेम लिखना होगा, जिस बैंक अकाउंट पे आप लोगों को नेम है उस नेम को यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पर मैं नेम डाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल में सारा कुछ कीजिएगा। उसके बाद गाइज स्विफ्ट कोड, ये वाला चीज़ आप लोगों को पता नहीं कैसे फाइंड किया जाता है, तो गाइज इस टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूँगा कि स्विफ्ट कोड कैसे फाइंड किया जाता है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दूंगा कि स्विफ्ट कोड कैसे फाइंड किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को देखिए, मेरा तो स्विफ्ट कोड मुझे पता है, तो यहाँ पर मैं फिर भी लिख लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से स्विफ्ट कोड को फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर डालना है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट नंबर भी मैं डाल लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट नंबर मैं डाल देता हूँ, तो यहाँ पर मैं नीचे लिख के रखा हूँ। तो इस तरह से बैंक अकाउंट नंबर को आप लोगों को डालना है। तो गाइस देखिए यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डाल चुका हूँ। अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए इस तरह से बैक आइए, उसके बाद लिंक पे आउट मेथड पे क्लिक करना है। तो इस तरह से क्लिक करते गाइस आप लोग देखिए ये जो 5 नंबर स्टेप था ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, तो आप लोग देखिए हो गया। अब गाइस टैक्स इन्फॉर्मेशन भरना है, ये चीज़ आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए ऐड टैक्स इन्फो पर टच करना है। टच करने के बाद गाइज आप लोगों को यहाँ पर टच करते देखिए आपका जो प्रोफाइल का यहाँ पर गाइज देखिए मोबाइल नंबर जिस नंबर पे लॉगिन एंड पासवर्ड देकर ओपन करना है। तो यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ। तो गाइज देखिए यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर डाल दिया हूँ एंड पासवर्ड भी डाल दिया हूँ। उसके बाद गाइज यहाँ पर लॉगिन पे टच करते गाइज यहाँ पर देख सकते हो जो प्रोफाइल है, जिस प्रोफाइल पे पेज बना हुआ है उस प्रोफाइल को यहाँ पर लॉगिन कीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद गाइज आप लोग देख सकते हो एक आप लोग देखिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, एक पेज आएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह का एक पेज आएगा। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है गाइज यहाँ पर नो करें, सेकंड ऑप्शन पे भी नो कर लीजिए, आप लोग पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर अगर नहीं पढ़ना चाहते फिर जो मैं दिखा रहा हूँ वो कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे टच करें। नेक्स्ट पे टच करने के बाद गाइज यहाँ पर जो कंट्री सिटीजनशिप है इसको आप लोग टच करके आप लोग यहाँ पर देखिए मैं कंट्री कहाँ करना है, आप लोग इंडिया से कर रहे हो तो इंडिया कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इंडिया को टच कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, देखिए तो यहाँ पर इंडिया है तो इंडिया को मैं टच कर लिया हूँ। अब गाइज यहाँ पर और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कंट्री को सिलेक्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। उसके बाद गाइज आप लोगों को फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पर इस प्रोसेस में कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करें। उसके बाद इस पेज पे आप लोगों को 0% पे क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे देखिए आप लोगों को सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर पे जो आप लोग का नाम है उसको आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। इस यहाँ पर गाइज आप लोग सिग्नेचर कर लीजिए, उसके बाद टिक का ऊपर में एक छोटा सा टिक करके आया है इसको टिक कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करिए, यहाँ पर जो डेट दिया है इसको चेंज मत कीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते गाइज कुछ इस टाइप का एक फॉर्म आ जाएगा बड़ा सा। अब आप लोगों को देखिए नीचे की तरफ आना है, उसके बाद सबमिट फॉर्म पे टच करना है। तो गाइज यहाँ पर देखिए और एक पेज है, इसके आप लोगों को डन करते गाइज आपका जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है एंड सारा कुछ बैंक अकाउंट जो आपने जोड़े हो सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पर फिलअप हो चुका है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर अगर देखिए सारा कुछ ऑन हो चुका है यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर वो वाला जो ऑप्शन था वो शो नहीं कर रहा है। आप लोगों को बैक करके मैं ओपन करके फिर से दिखा देता हूँ। देखिए डैशबोर्ड पर ले जाता हूँ, एडवांस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो गाइज $0 है। तो गाइज आप लोगों ने सारा कुछ सेटअप कर लिया। अब गाइज अगर $100 आप लोग कर लेते हो तो गाइज आपका पेमेंट जो बैंक अकाउंट देकर आप लोगों को जोड़े अभी तक मैंने जोड़े तो उस बैंक अकाउंट में मेरा पेमेंट आ जाएगा। तो इस तरह से गाइज एक एड ऑन रील्स का सेटअप किया जाता है। एंड गाइज आप लोग अगर इंस्टीम ऐड का सेटअप कैसे किया जाता है इससे जानना है तो गाइज आप लोग कमेंट कर सकते हो, उसका भी एक टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। तो आज का वीडियो देखता वीडियो पसंद आए तो थोड़ा सा भी आप लोगों को एक लाइक कर देना है, चैनल पर नए तो प्लीज गाइज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। एंड किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट में बता सकते हो। एंड इस वीडियो में कोई सा भी डाउट है वो भी आप लोग कमेंट में बता सकते हो। तो चलिए गाइज आज का वीडियो इतना ही तक था, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।